एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंतिका सिंघानिया एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। और पहले से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। सो मंगलवार है तो पूजा हो गई है और बुनू रोड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस बुनू हीरो बना हुआ है, देखिए बुनू क्या बजा रहे हैं आप। अरे बाप रे, बुनू अपने ग्रीन कलर के कुत्ते का मर्डर कर दिए है आप। उसको उठाओ, उसकी आत्मा आपसे बदला लेगी। बुनो नहीं कीजिए ऐसे। अब बुनो आप टीका कौन लगा दिया आपको? कौन देश दुनिया में घूम रहा है? टीका तो दिखाइए सबको। क्या हुआ? नहीं बुनू, पहले आप अपना टीका दिखाइए। सो गाइस पूजा हो गया और मैं कुछ ऐसे दुपट्टा रख के पूजा कर रही थी। पता है मेरे पास ना एक भी दुपट्टा नहीं है, ठीक है? तो मैंने ये सूट कनक के सूट का दुपट्टा लिया है। तो पूजा हमारा हो गया है, मैं आपको अपना मंदिर दिखा देती हूँ, ठीक है? एंड आज थोड़ा सा लेट, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया पूजा करने में। अगली बार से थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करूँगी। तो मुझे ना सुबह नींद ही नहीं खुल रहा आजकल, पता ही नहीं क्यों। नहीं नींद खुलती है लेकिन मेरे को अस्कत लग जाता है। अस्कत तू होता है ना, वही मैं हो गई हूँ, ठीक है? तो बट छोड़ो, कोई बात नहीं। पूजा मतलब एट द एंड पूजा अच्छे से हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। तो पूजा हो गया एंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखो तो यहाँ पे हनुमान जी का पूजा किया है, यहाँ पे गोविंद बाबा का पूजा हो गया है एंड इधर सारे भगवान देख लो आप। हमारे इधर कितने सारे कान्हा जी, हमारे जो लड्डू गोपाल है उधर हैं, खाटू बाबा हैं एंड मतलब यही है हमारा मंदिर छोटा सा, ठीक है? तो पूजा हो गया, बोलो हनुमान जी की जय। आप अकेले अकेले अंगूर खा रहे गाइस, देख लो यहाँ पे अंगूर खा रहे हैं। चलिए ना खेलते हैं, हम लोग खेल रहे थे गाइस, पता है आपको हम खेल रहे थे क्या? STOP राजा है। और बुनू आउट हो गए थे तो बुनू को देखिए ऐसे करना होता है। साइमन नर्सरी क्लास में है। तो आपका पोंटा लगा हुआ है, पहले पोंटा पूछिए। छी, ये गंदी 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 हरकतें करते रहो बस। ए मुंह में लगा ले रहा है, मतलब पूरा मुंह में रख ले रहा है, फिर मुंह में से उगल दे रहा है। राजा 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 आप देख लो, कर लो पहले ही कर लो आप। कोई से जी मोटिया वाला से कोई किनता है कपड़ा? क्या लगती हुआ कपड़ा में? कपड़ा किले हुए हैं पैंट। हाँ अच्छा अच्छा देखो, राजा राजा तीन। गाइस मौसम बहुत प्यारा है, देखो हवाएं चल रही हैं। बुनो बोलो हवाएं चल रही हैं, बोलो ना एक बार। ये क्या है, ये क्या है? ये क्या है? खा लो पहले आप, खा लो गाइस। ऐसा नहीं लग रहा, वो नहीं होती जूड़ा में लगाने के लिए, पंडाल में के है गाइस। आई फिर मांगेगा हमको, क्या काम है उससे लेकर? क्या गाइस पतंग उड़ रहा है देखो। अच्छा चलो अब हम जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ है, कौन है गाइस? यासीस का मतलब रानी का छत है, पर इस पे कोई नहीं है। बाय, चलो बाय बोलो सबको, जल्दी बोलो बाय। क्या खा रहे हैं? आपको भी मन लगता है इसमें, ठीक है? चलिए अब हम जा रहे हैं, बाय। गाइस पिछले 3 दिन से यही सेम चोटी बना के घूम रही है। कल ही तुम कल के ब्लॉग में भी यही बात, नहीं कल के नहीं, हाँ कल के ब्लॉग में भी तुम यही बात बोली है कि कल ही बनवाए थे। कल दूसरा चोटी था ब्रो, कल ये 2 गो ही था। हाँ तो देखो 2 गो था, तो फिर कल शाम को तुमने ये 2 एक्स्ट्रा करवा लिए। पागल औरत तुम, पूरा है कि नहीं चोटी? भी 2 दिन से सेम चोटी बन के घूम रही है कि नहीं? लेकिन कल बनवाई थी कि नहीं? आज पूरा स्कूल तुम पूरा बैरगिनिया नाप के आ गई और तुम सेम चोटी में। कल शाम में बनवा दो 4 बजे के बाद। गाइस ये बाल देखो इसके, सिर्फ फेस चमकता है, ठीक है? बाल देखो, बाल लीफ चमकता है।
सो गाइस, मैं इसमें बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। एंड इधर ये तिलौड़ी को छाना हुआ था, मैं भूल ही गई थी एकदम से कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। पता है काम में मैं इतनी बिजी हो गई थी, मतलब सब्जी मेरा बन गया ऑलमोस्ट। और इसमें बना है चावल, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत गर्म है इसलिए इसको मैं खोलती नहीं हूँ। इधर मैंने बनाया खीर जो सूख भी चुका है और कुछ लोग खा भी चुके हैं जैसा कि देख सकते हो। साड़ी पहनने का अरे कड़क, तुम बोले थे मराठी नाथ के लिए, तुमने ला देगी। गाइस मैंने इसको बोला था कि मेरे को ना मराठी नाथ कहीं से मांग के ला दो, ठीक है। मतलब हमारे एक पड़ोस में आंटी है, उनके पास है, जो इसने मेरे को आके कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बताया कि उनके पास है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मांग के ला दो मेरे लिए, तो कह रही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, थोड़ा सा इज्जत कम हो जाएगा तुम किसी से कुछ मांग लोगे तो। लेकिन मेरे पास तो आ जाएगा ना वो नाथ, मतलब एक दिन के लिए गाइस, ऐसा भी नहीं ना कि कम करो, एक दिन के लिए भी नहीं, दो घंटे के लिए मांग के ला दो यार, मेरे को सिर्फ मराठी लुक करना है। देखो जब तुम ये बात बोलती है ठीक है, मैं एकदम अपने इज्जत बागल में रख कर जाती हूँ उस चीज मांगने, वो नहीं देती है। ऐसा को कभी हुआ नहीं है। हाँ तो मांग के लाओ तो तुम सोचती है क्यों मांगा तुमने। नहीं कोई बात नहीं, मतलब तुम अपनी इज्जत को साइड में रख के मांग के लाओ। पहली बार हो चुका है। हाँ तो उस टाइम चली भी गई थी, लेकर भी आई, फिर तुम कह रही है छोड़ कर ना कहला जाए। नहीं देखो रुको, मैं इधर से बोलती हूँ। गाइस अभी मैंने वीडियो बंद किया था तो कनक कह रही है कि वो मेरा वीडियो देखती है, तो उनको कैसा लगेगा कि हम उनसे मांगने की बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई चीज़ है ठीक है और आप उसका यूज़ नहीं करते हो, तो एक घंटे के लिए अगर मुझे दे दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार। फिर किनना नहीं है ना, वही तो बात है कि गाइस पैसे नहीं है मेरे पास, वरना मैं खरीद ना लूँ क्या। मैंने ऑनलाइन नहीं देखा है कि कहाँ मिलता है वो या फिर मार्केट में, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास तो मैंने सोचा थोड़ा सा भीख मांग लेते हैं। अरे नहीं देखो क्या होता ना कि एक बार वीडियो बनाने के बाद फिर मेरा यूज़ होता नहीं है, वो शादीशुदा है वो कभी भी पहन लेंगी। ऐसे तो पहन मैं भी लेती हूँ लेकिन पैसा नहीं है यार मेरे पास। मेरा बर्थडे आ रहा है अगले महीने में, ठीक है मेरे पास कपड़े के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है इस बार बर्थडे पे, उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, ठीक है। 10 रुपये होते ना गाइज, वो भी नहीं है मेरे पास। सोचो मैं भी कितनी गरीब फील कर रही हूँ अपने आप को, यहाँ तक कि कनक मैंने दादी को बोला कपड़े खरीदने के लिए तो दादी ने मेरे को क्या बोला, गाइस मेरे घर में मेरा कोई इज्जत नहीं है, ठीक है आप समझ जाओ इस बात से। क्या इस अगर मैं कपड़े खरीदने के लिए बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, जाके फिर से सो जा और सपने में खरीद लो, तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। तो ठीक है कोई बात नहीं, बर्थडे में टाइम है देख लेंगे, खरीदवा तो मैं लूंगी नया कपड़ा, ठीक है। इसका आदत खराब है, एक महीना पहले से रोने लगेगी इसलिए घर वाले नहीं, मैंने सरस्वती पूजा के एक दिन पहले बोला था। बड़ा ड्रेसेस में एग्जांपल में दुल्हन नंबर वन ड्रेसेस में से जाकर किना के लाती है, तो गाइस रोना भी तो पड़ता है बहुत, पता नहीं है उसका कुछ नहीं किनाता, बड़े दिन तीनों कपड़ा पहन कर होता है गाइस। लेकिन मेरे को ना मेरे बर्थडे पर नया, देखो बर्थडे पे तो सबको नया कपड़ा पहनने का मन करता है, और मेरा मन करता है कि मैं अपने बर्थडे पे एक तो बहुत ज्यादा केक काटूं, मतलब मेरे दोस्त कोई सुन रहे हो प्लीज, बहन मेरा कोई भी फ्रेंड सुन रहा है प्लीज, मेरे बर्थडे पे मेरे को केक ला के दो, गिफ्ट भी लेके आना ठीक है, खाली हाथ मत आना लेकिन केक भी लेके आना, क्योंकि मुझे केक काटने में बड़ा मजा आता है। मतलब मैं चाहती हूँ ना मेरे जितने भी दोस्त हैं सब केक लेके आए, लेकिन मेरे दोस्त इतने नल्ले गरीब हैं, कोई एक केक तो दूर की बात है, एक पेस्ट्री भी नहीं लेके आता मेरे लिए। तो छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं, इस व्लॉग को यहाँ तक देखा तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो दोस्त को इसको मन कर रहा व्लॉग करने का तो खुशी खुशी कर। नहीं दोस्तों मैंने ये बात मजाक में बोली है, लेकिन आप लोग सीरियस लेना ठीक है, प्लीज़ मेरे बर्थडे पर केक लेके आना प्लीज़, अगर कोई देख रहा है तो। यार मेरा बर्थडे, मेरा व्लॉग मेरी कोई फ्रेंड नहीं देखती है ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।